हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे IBPS PO प्री के कुछ रियल क्वेश्चंस, और ये पेपर हुआ था 14 अक्टूबर 2018 को। ये रियल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फोर्थ कमिंग बैंकिंग एग्जाम्स में, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। एक नया टारगेट बैच मैं 25 दिसंबर से शुरू कर रहा हूँ। इसको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। देखिए, ये है क्वेश्चंस जो 14 अक्टूबर 2018 को IBPS PO प्री में पूछे गए थे, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे बैंक PO और क्लरिकल एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे IBPS क्लर्क का जो मेन्स एग्जाम है, उसमें एक क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकते हैं। तो ये कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक सेंटेंस होता है इसमें, और एक सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ दिया जाता है फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड हाफ दिया जाता है सेकेंड कॉलम में, और इनको आपको इस तरीके से मिक्स एंड मैच करना है कि ये पूरा सेंटेंस बन जाए, और पूरा सेंटेंस जो हो वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो और कॉन्टेक्चुअली भी करेक्ट हो। ठीक है, तो इस तरीके से इनको मिक्स एंड मैच करके आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका आंसर बनेगा। अब जैसे यदि आप इस सेंटेंस को पढ़ें, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो ऑल द रूल्स। देखिए, रूल्स के साथ क्या वर्ड हम नॉर्मली लगाते हैं, रूल्स के साथ हम रेगुलेशन वर्ड लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क, यानी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तो ये बात किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है, ये कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पर सही है। ठीक है, कि यदि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो आप अपनी रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट भी इसका सही है और ग्रामर भी इसकी सही है। तो ए एफ आपका एक आंसर बन सकता है। अब इसको करने का सही तरीका क्या है, आपको यदि एक कॉम्बिनेशन सही लग रहा है तो उस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपको आंसर देखना है। ए एफ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ए एफ के साथ सी ई भी दिया हुआ है, तो सी ई को हम देख लेते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। वो द क्लाइमेटिक कंडीशन इन मैनी प्लेसेस, अराउंड के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा, अराउंड के साथ वर्ड द वर्ड जुड़ेगा, अराउंड द वर्ड। द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन मैनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड हैव बिकम हाईली अनसर्टेन, मतलब क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वो वर्ल्ड के, उस संसार के काफ़ी सारी जगहों पर हाईली अनसर्टेन हो गई हैं, उनके कोई निश्चित नहीं है। कभी कहीं पर रेन होने लगती है, कहीं धूप आ जाती है, कहीं इस तरह से जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अनसर्टेन है। तो ये जो सेंटेंस है ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है और कॉन्टेक्स्चुअली भी ये सही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हैव का प्रयोग हुआ है, तो ये हैव का प्रयोग हुआ है क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, यानी ये सेंटेंस आपका सी और ई जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी है और कॉन्टेक्चुअली भी करेक्ट है, और ये वाला भी पार्ट सही है। अब हम इसको देखते हैं, द पीपल ऑफ रूरल एरियाज आर प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का क्या मतलब है, प्रीडोमिनेंटली का मतलब है मुख्य रूप से। द पीपल ऑफ रूरल एरियाज आर प्रीडोमिनेंटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, ये सेंटेंस देखने में सही लगता है, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर देखिए आर का यूज हुआ है। आर का मतलब है कि यहां पर आपको एक एडजेक्टिव चाहिए, जैसे जैसे दे आर स्मार्ट, दे आर इंटेलिजेंट, इस तरीके से। यदि यहां पर आर नहीं होता तो फिर आपको यहां पर वर्ब चाहिए होती। अब इसमें दो चीजें आपको समझना है, डिपेंड जो होता है वो होता है वर्ब, क्योंकि डिपेंड में हम एस लगाते हैं, जैसे हम बोलते हैं डिपेंड्स, ठीक है, और डिपेंडेंट होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर डिपेंड की जगह यदि डिपेंडेंट होता तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाता, क्योंकि डिपेंडेंट होता है एडजेक्टिव, डिपेंड होती है वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब का काम नहीं है, यहाँ पर चूंकि आर लगा हुआ है इसलिए एडजेक्टिव आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो यानी दो कॉम्बिनेशन जो हैं ये सही हैं यहाँ पर। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 5, ए एफ और सी ई। ठीक है, इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना होता है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ऑलमोस्ट अ डिकेड आफ्टर हिज असेंट टू द टॉप। डिसेंट क्या, डिकेड क्या होता है, डिकेड मतलब 10 सालों का जो टाइम होता है उसको डिकेड बोलते हैं, असेंट मतलब ऊपर चढ़ना। ठीक है, ऑलमोस्ट ए डिकेड आफ्टर हिज असेंट टू द टॉप। अब देखिए इसके साथ हम कौन सा सेंटेंस जोड़ सकते हैं, इसके साथ अगेंस्ट वाला नहीं जुड़ सकता, वर्ब वाला नहीं जुड़ सकता, इसके साथ ये वाला सेंटेंस जुड़ सकता है, ऑलमोस्ट अ डिकेड आफ्टर हिज असेंट टू द टॉप ही टम्बलिंग डाउन। देखिए चूंकि यहां पर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं,
आफ्टर ए डिकेड आफ्टर इज असेंट टू द टॉप, अब उसके टॉप पर पहुंचने के एक दशक बाद, ठीक है, ही टम्बल डाउन होना चाहिए यहाँ पर, ये ही टम्बल डाउन अंडर द वेट ऑफ सीरियस एलिगेशंस, मतलब उसके ऊपर वो दब गया और उसका उस पर काफ़ी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा उसके, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए गए, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन ये टम्बलिंग के स्थान पर ये होना चाहिए टम्बल्ड, क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, यानी ये जो कॉम्बिनेशन हो गया ये हो गया आपका गलत। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, द डिसीजन टू आउस्ट कंपनीज बोर्ड वर टेकन, ये सही लग रहा है सेंटेंस, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे वोज, ठीक है। और आउस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को, नॉर्मली व्यक्ति को बाहर निकालना, उसको एक्सपेल करना। द डिसीजन टू आउस्ट कंपनीज बोर्ड, बोर्ड को एक्चुअली बाहर नहीं निकालते हम, बोर्ड को ख़त्म कर सकते हैं, तो ये वर्ड भी थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, द कंपनी हैज़ इनिशिएटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इट्स चीफ जनरल मैनेजर इन द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मतलब कंपनी ने एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है जनरल मैनेजर के अगेंस्ट, यानी सी और डी जो कॉम्बिनेशन है, ये सी और डी, ये एकदम सही है इसमें, बाकी दोनों में कुछ ना कुछ गलती है, सी और डी यहाँ पर आपका आंसर होगा। और ए और एफ में क्या गलती है और बी और ई में क्या गलती है, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ग्रामेटिकली क्या गलती है। तो सेंटेंस का जो कॉम्बिनेशन आपको बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि ग्रामेटिकली भी वो पेयर करेक्ट हो और कॉन्टेक्चुअली भी वो करेक्ट हो, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, द रेंज ऑफ राइफल मे नॉट बी मच बट इट इज़ लाइट वेट एंड ईजी टू ऑपरेट, ये एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने इट का प्रयोग किया है राइफल के लिए, राइफल यहाँ पर नाउन है और नाउन को हम रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से, तो ये सही है यहाँ पर, ये सेंटेंस ए डी इसमें एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ए डी, ठीक है, लेकिन ए डी के साथ एक कॉम्बिनेशन इसमें सी ई का भी दिया है, उसको हम देखते हैं। द फोर्ट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर ट्रैकिंग एंड सेबरल ग्रुप ऑफ यंग ट्रेनिंग यंग, ये या तो ट्रैकिंग होगा, एक्चुअली ये ट्रैकिंग है, लेकिन ये यंग के साथ क्या आएगा, यंग के साथ यहाँ पर आना चाहिए वर्ड ट्रैकर्स, तो ये कॉम्बिनेशन भी गलत हो गया आपका। ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज सडनली एज ही हैड एज ही यहाँ पर आना चाहिए ये एज ही फेंटेड, उसको हॉस्पिटल में जल्दी भर्ती कराना पड़ा क्योंकि वो फेंट हो गया था, तो ये पास्ट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर फेंटिंग गलत है, यानी इसमें केवल ए और डी ही सही है, ए और डी इसमें सही है, इसमें आंसर होगा आपका थर्ड, ए डी और सी ई नहीं होगा, केवल ए डी होगा, ठीक है। अब देखिए ये भी नए पैटर्न के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में क्या करना है, एक वर्ड दिया है क्रूशल और नीचे तीन सेंटेंस दिए हैं, इन तीन सेंटेंसेस में आपको देखना है कि किन किन सेंटेंसेस में क्रूशल वर्ड को सही तरीके से यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये IBPS PO प्री के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एट द क्रूशल टाइम ऑल यू कैन डू इज टाइम, देखिए क्रूशल क्या होता है, क्रूशल होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपकी सक्सेस को डिसाइड करती है, यानी क्रूशल का मतलब होता है डिसाइसिव या क्रिटिकल, ठीक है। एट दिस क्रूशल टाइम ऑल यू कैन डू इज प्रे फॉर द बेटरमेंट एंड फास्टर रिकवरी ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट हु हैव बीन इंजर्ड, तो क्रूशल टाइम का प्रयोग यहां पर सही है, क्रूशल टाइम आप बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इट वॉज क्रूशली, यहाँ पर क्रूशल होना चाहिए ये, क्योंकि वॉज के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा, यहाँ पर इज एम आर या वॉज वर्ब के बाद यहाँ पर एडवर्ब नहीं आएगा, एडवर्ब आता है वर्ब के बाद, तो क्रूशली होने की वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। और नीचे दिया गया है, दो देयर इज होप एंड पॉजिटिविटी इन द वर्ड द फैक्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड दैट क्रूशल इंटेंशन एग्जिस्ट एज वेल, एक्चुअली क्रूशल के इंटेंशन के साथ हम क्रूशल वर्ड नहीं लगाते, इंटेंशंस का मतलब होता है इरादा, और आपका इरादा क्रूशल नहीं हो सकता, आपका इरादा सही हो सकता है, फेयर हो सकता है, इरादा कभी क्रूशल नहीं होता, क्रूशल टाइम हो सकता है, क्रूशल सिचुएशन हो सकती है, क्रूशल डिसीजन हो सकता है, लेकिन क्रूशल इंटेंशन नहीं हो सकता, तो इसलिए ये गलत है, यानी दोनों सेंटेंस यानी बी और सी आपके गलत हैं, ए में इसका प्रयोग सही हुआ है क्रूशल का, तो यहां पर आपका आंसर होगा फोर यानी ओनली ए, ठीक है।
बेनाइन का प्रयोग देखना है। देखिए बेनाइन एक मेडिकल का टर्म है, हालांकि जनरल साइंस में भी ये यूज होता है, लेकिन ये मेडिकल का टर्म है। बेनाइन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो खतरनाक नहीं है, जो सीरियस नहीं है, जो माइल्ड है या जो जेंटल या काइंड है। जैसे एक होता है बेनाइन कैंसर और एक होता है मैलिग्नेंट कैंसर। बेनाइन कैंसर मतलब जो फैलता नहीं है तेजी से, मैलिग्नेंट कैंसर मतलब सीरियस हालत हो गई है जो फैल रहा है सब जगह। तो बिनाइन, लेकिन बिनाइन का मतलब काइंड भी होता है, तो अलग अलग सेंसेस में इसको हम यूज करते हैं। देर वॉज रिसेंटली स्टडी डिस्क्राइबिंग हाउ सम फूड वेन हैड विथ सम अपेरेंटली बिनाइन मेडिसिन। बिनाइन मेडिसिन मतलब ऐसी मेडिसिन जिनका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये इसका प्रयोग बिनाइन का सही हुआ है। दूसरा देखते हैं, द एक्टिविटीज ऑफ द क्रिमिनल अपेरेंटली टू बी बिनाइन इन द बिगिनिंग, मतलब क्रिमिनल्स की एक्टिविटी बिनाइन लगी इन द बिगिनिंग एज दे प्रिटेंडेड टू बी लोकल सिटीजन्स, क्योंकि उन्होंने लोकल सिटीजन होने का बहाना लगाया। उन्होंने बोला कि वो लोकल सिटीजन्स थे, इसलिए उनकी जो एक्टिविटीज थी वो बिनाइन लगी। बिनाइन मतलब बहुत सीरियस का अपोजिट है एक्चुअली, ये सीरियस नहीं लगी, तो ये सही है यहाँ पर। और ट्यूमर के साथ तो बिनाइन हो आ ही सकता है क्योंकि ये एक मेडिकल का टर्म है। तो इसमें आपके तीनों सही हैं, ठीक है, ऑल ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। तो इसमें आपके तीनों प्रयोग यहाँ पर सही हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब देखिए, ट्रांसपेरेंट के कई मतलब होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब फेयर और ऑनेस्ट भी होता है, और ट्रांसपेरेंट का मतलब फिजिकल सेंस में भी होता है, जिसके आर पर कोई चीज़ जा सके उसको भी हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इन वर्क कहना सही है, क्योंकि वर्क में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। एंड फॉलोइंग ऑफ वर्क एथिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक द रिक्रूटर्स सीक दीज डे। तो ट्रांसपेरेंसी इन वर्क सही है। इट वॉज ए हाईली ट्रांसपेरेंट, हाईली के साथ यहाँ एडजेक्टिव होना चाहिए, ये गलत हो गया। दो देयर वर सेवरल केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन द सिटी द ट्रांसपेरेंसी कन्विक्ट्स हैडन्ट बीन पुट बिहाइंड बार्स। ट्रांसपेरेंसी कन्विक्ट्स क्या होता है? कन्विक्ट जिनके ऊपर आरोप लगा है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी कन्विक्ट्स गलत है। यहाँ पर केवल ए सही है, तो आपका आंसर होगा 5, यानी ओनली ए। कॉलोक्वियल, कॉलोक्वियल का मतलब होता है, एक्चुअली ये लैंग्वेज के रेफरेंस में यूज होता है कॉलोक्वियल, जिसका मतलब होता है कि आम बोलचाल की भाषा में यूज होने वाले शब्द या उन सभी चीज़ों को जो आम बोलचाल की भाषा में यूज होती है, उनको हम बोलते हैं कोलोक्वियल। इट वॉज द कोलोक्वियल ऑफ द रूलिंग पार्टी। नहीं, ये गलत है, ये रूलिंग पार्टी का कोलोक्वियल था, ये कोलोक्वियल का यूज़ यहाँ पर गलत हुआ है। कोलोक्वियल का लैंग्वेज के रेफरेंस में हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर रूलिंग पार्टी के रेफरेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये गलत है। द कोलोक्वियलिज्म ऑफ ए 6 month ओल्ड ड्यूरिंग द जर्नी वॉज नॉट ओनली टायरिंग बट ऑल्सो डिस्टर्बिंग फॉर द कोलोक्वियलिज्म ऑफ ए 6 month ओल्ड ड्यूरिंग द जर्नी। नहीं, गलत है। आम बोलचाल की यहाँ पर एक्चुअली शोरगुल के लिए या नॉइस के लिए यूज हो रहा है। 6 month ओल्ड जो था, जो बच्चा था, उसके कोलोक्वियलिज्म ने सभी पैसेंजर्स को परेशान कर दिया, तो ये गलत है। द लैंग्वेज स्पोकन इन साउथ अफ्रीका बाय द इनहेबिटेंट ऑफ यूरोपियन डिसेंट आर इंग्लिश एज डच, द लेटर चीफली इन द फॉर्म ऑफ ए पेटोइस कोलोक्वियली नोन एज द ताल। कोलोक्वियल मतलब आम बोलचाल की भाषा में जिसको हम ताल बोलते हैं। ए बी और सी, सी यहाँ पर सही है, तो इसका आंसर होगा ओनली सी, ठीक है। प्रूडेंट, प्रूडेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, और प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्ण, सही, बुद्धिमानी पूर्वक, ठीक है। द प्रूडेंट बैंकर, ऐसा बैंकर जो प्रूडेंट था, जो बुद्धिमान था, तो ये सही है यहां पर इसका प्रयोग। इट इज प्रूडेंट टू इन्वेस्ट, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। इट इज प्रूडेंट मतलब ये सही है इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में। इट इज प्रूडेंट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट प्रोवाइडेड देयर इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन गाइडिंग यू थ्रू द हाईज एंड लोस। मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है, प्रूडेंट है, यदि आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन गाइड करता है। तो इट इज प्रूडेंट मतलब ये चीज बुद्धिमत्ता पूर्ण है, तो ये सही है। प्रूडेंट बैंकर कहना भी सही है। नाउ इट इज फ्यू पीपल फ्रॉम द यंगर जनरेशन आर विलिंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स एज दे फील प्रूडेंट। फील प्रूडेंट गलत है, फील प्रूडेंट, प्रूडेंट महसूस करना, ठीक है। प्रूडेंट होना होता है, महसूस नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक फीलिंग नहीं है। यानी इसमें ए और बी आपके सही हैं, ठीक है। तो
तो इसमें आंसर होगा आपका सेकंड, ओनली ए एंड बी। तो ये है नए पैटर्न के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आगामी आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और एक नया टारगेट ऑनलाइन बैच मैं शुरू कर रहा हूँ सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, इंटीग्रेटेड टारगेट बैच है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इंस्टामोजो के पेज से पेमेंट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपकी examinee.in वेबसाइट पर चलेंगी, और इनको आप लैपटॉप पीसी मोबाइल पर आप देख सकते हैं। एक ही क्लास को आप कितनी भी बार देख सकते हैं। तो ये इसमें सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। रोज़ 2 या 3 क्लासेस, फ्रेश क्लासेस अपलोड होती हैं इसमें, और प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहती हैं। तो इस कोर्स की जो फीस है 2650 रुपये है, और 1 साल की वैलिडिटी रहती है। 1 साल तक ये पूरा कोर्स आप देख सकते हैं, और इसको यदि आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप SBI PO, RBI, कैनरा बैंक, इंश्योरेंस एग्जाम, ये सारे एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मैं प्री का, मेंस का, GDPI सारा पढ़ाता हूँ, और प्लस करंट अफेयर्स के PDFs भी हम सारे प्रोवाइड कराते हैं इसमें। तो इस तरीके से अपनी आप सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं इस टारगेट बैच के थ्रू। इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इस बैच को आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। examinee.in वेबसाइट पर आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर मैं सारे ग्रामर के टॉपिक, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं इंग्लिश से संबंधित स्टूडेंट की, वो सारे ब्लॉग्स मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा। तो इस ब्लॉग को आप ज़रूर पढ़ें, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। examinee.in वेबसाइट पर जाना है, और ऊपर लिखा होगा ब्लॉग, ब्लॉग सेक्शन में आपको अलग अलग ब्लॉग्स मिलेंगे, वहाँ पर इन सारे ब्लॉग्स को आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।